हेलो डियर, वेलकम, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हमें द एलिक्सर ऑफ लाइफ इस लेसन का समरी, उसका जो सारांश है, उसको कुछ अलग तरीके से मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं ताकि आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लें। एक और चीज मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि मैं जो इंग्लिश में कठिनाई आती है तो उस कंटेंट को समझाने के लिए हिंदी का उपयोग किया हूं, और मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूं आपको। अगर उसमें इधर उधर थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाएं तो उनको नज़रअंदाज करना और इसको इग्नोर करके कंटेंट के ऊपर आप फोकस करो, ये मेरा विनती है। सबसे पहले एलिक्सर, इसका अर्थ है अमृत, जो एक काल्पनिक पेय है। माना यह जाता है कि इसको पीने से आदमी अमर हो जाता है, हालांकि ये एग्जिस्टेंस में नहीं है, जस्ट एक ये मान्यता है और कुछ नहीं। सीवी रामन जी एलिक्सर का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि वो दूसरा एक और चीज है जो उतना ही इंपॉर्टेंट है, वो है पानी। शायद हम इतना महत्व नहीं देते जितना उसको देना चाहिए था। पानी का महत्व कितना है इसको दर्शाने के लिए पहले ही वो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण। तो वो कहते हैं कि जब वो खड़े थे, ऐसे जगह में खड़े थे, एक तरफ पूरा का पूरा हरियाली और उसके अपोजिट में पूरा का पूरा रेगिस्तान। जिस दिशा में पूरा का पूरा हरियाली है वो है नाइल घाटी, वहां पर अनगिनत लाइफ फॉर्म्स है, मगर रेगिस्तान में कुछ भी नहीं है, सिर्फ बिलोइंग सैंड्स, मतलब रेत, रेत ही रेत और कुछ नहीं। तो ये दर्शाता है पानी का महत्व कितना है। जिंदा रहने के लिए हमें दो चीज की बहुत जरूरत होती है, एक फूड और वाटर। अन्न को हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? खेतीबाड़ी करना चाहिए। खेतीबाड़ी के लिए हमें दो चीजों की बहुत जरूरत होती है, एक है उपजाऊ मिट्टी, फर्टाइल सॉइल, और एक होता है भरपूर पानी। ये दोनों मिले तभी एग्रीकल्चर फल फूल सकता है। ये उपजाऊ मिट्टी के बारे में हम बाद में सोचते हैं, अब पानी के बारे में हम सोचते हैं। हमारे देश में एग्रीकल्चर यानी खेतीबाड़ी बारिश के पानी के ऊपर ज्यादातर निर्भर होता है। यदि बारिश अच्छी रही तो सब कुछ अच्छा, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो जब ये बारिश आती है तो छोटे छोटे तालाब होते हैं, वो भर जाते हैं। जब हमने जान लिया कि पानी का जरूरत कितना है और हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट, पानी का प्रबंधन करने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम जो छोटे छोटे तालाब होते हैं उनको डीसिल्ट करना चाहिए, उसका मिट्टी को हटाना है। कम से कम 5-6 साल में या 10 साल में एक बार जो मिट्टी जमा होती है उसको निकालना चाहिए, जो हम नहीं करते। बारिश का बहुत ज्यादा पानी ऐसे ही नदी में बहकर वो वेस्ट हो जाती है। तो ये जो वेस्ट जाने वाला पानी है इसको रोक कर हम उसको उपयोग कर सकते हैं। कैसे? डैम बनाकर, बांध बनाएं तो पानी वहां रुक जाता है और उसके बाद में पूरा का पूरा साल हम उसको उपयोग कर सकते हैं। बड़े स्तर पर डैम को जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है, उसमें बहुत लागत आती है, इसलिए ये एक नेशनल प्रॉब्लम है, तो सोल्यूशन भी नेशनली होना चाहिए ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए
जहां जहां जरूरत है वहां बांध बनाएं। वीडियो के अंत में एक महत्वपूर्ण जानकारी है, तो लास्ट तक देखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे एनकरेज करें। थैंक यू। नाउ लेट मी टेल यू द एडवांटेजेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ डैम। एक डैम कंस्ट्रक्ट करने से क्या फायदा है मैं वो बता रहा हूं। इसमें तीन फायदे हैं। एक, रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर टू द फील्ड्स एंड फॉर अदर पर्पजेस। और दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। वी कैन इनकॉर्पोरेट अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और इट कैन बी यूज्ड एज अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब संचार का एक जरिया भी ये बन सकता है। डैम का पानी को नहर से खेतों में ले जा सकते हैं। इससे क्या होता है कि खेती बाड़ी बहुत अच्छी तरह से होती है, क्रॉप्स का गारंटी हो जाता है, फार्मर्स का प्रॉब्लम्स है वो बहुत हद तक सॉल्व हो जाते हैं, और इससे प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है। जब प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो टोटल ये कंट्री के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। जब बिजली हमको मिल जाती है तो हमारे इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल जाता है। तो जब इंडस्ट्री बढ़ेगा तो वहां जॉब्स क्रिएट होंगे, बेरोजगारी कम हो सकती है, इससे नेशनल इनकम अपने आप बढ़ जाता है, ये भी एक फायदा है। और तीसरा है कि ये जो नहर होते हैं तो इनको एक रोड की तरह या रेल की तरह हम उपयोग कर सकते हैं। तो उसमें जो बोट्स होते हैं, बोट्स के जरिए हम यदि चीजों को, माल या पैसेंजर्स को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ये बहुत चीप में होता है, बहुत कम लागत लगती है इसमें, इसलिए ये भी एक एडवांटेज है। अब हम बात करते हैं फर्टाइल सॉइल यानी जो उपजाऊ मिट्टी, उसके बारे में बात करते हैं। वो बनता कैसे है ये देखेंगे। तो जब भी कैचमेंट एरियाज में, मतलब पहाड़ के ऊपर जब बारिश गिरती है तो वहां से जो पानी बहुत जोर से वहां नीचे आता है तो उस समय वो अपने साथ में बहुत सारे पत्थरों को वहां से लेकर आता है। जब ये पत्थर चलते हैं पानी के बहाव में तो वो टकराव होता है उनके, और बॉटम में भी उसका टकराव होता है। ये टकराव होते होते ये छोटे बन जाते हैं, इसका मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में ये बनते हैं, और ऐसे होते होते बहुत दूर जाने पर ये बहुत ही फाइन पार्टिकल्स जैसा पाउडर जैसा बन जाता है। तो जब ये पाउडर जैसे बन जाते हैं तो उसी को हम कहते हैं सिल्ट। तो उस सिल्ट को पानी लाकर प्लेन एरियाज है वहां पर ये डिपॉजिट कर देता है, तो उस जमीन जो है वो उपजाऊ बन जाता है। नाउ लेट अस नो व्हाट इज इरोजन। इरोजन इज द चिपिंग ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द लैंड ड्यू टू सम जियोलॉजिकल प्रोसेसेस लाइक हीट, दैट इज सनलाइट, विंड, रेन एटसेट्रा। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द इरोजन, क्या इरोजन कैसे होता है, उसका कारण क्या है। तीन कारण होते हैं। एक, स्लोप ऑफ द लैंड, मतलब कितना ढलान है, जितना ज्यादा ढलान है उतना ज्यादा पानी जोर से बहेगा, जो पानी जोर से बहता है वो ऊपर का मिट्टी को ले जाता है। दूसरा कारण है फ्लड्स, मतलब बाढ़। जब बाढ़ आती है तो तेज बहाव के वजह से जो टॉप सॉइल है वो चला जाता है। और थर्ड है लैक ऑफ वेजिटेशन, तो पेड़ पौधे नहीं होने के कारण होता है। पेड़ पौधे जहां रहते हैं वहां बहाव में रुकावट आ जाती है, जो पानी जोर से जाना चाहिए था वो स्लो हो जाता है, धीमी गति से चलती है, तो इसलिए ये भी एक कारण है। इफेक्ट्स ऑफ सॉइल एरोजन, तो इसके परिणाम क्या होते हैं देखते हैं। मान लीजिए हमारा ऑलरेडी एक अच्छा जमीन है और बाढ़ की वजह से
बहुत तेज अगर बहाव है पानी का, तो हमारे जो उपजाऊ मिट्टी ऑलरेडी है वो निकल जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है, वहाँ गड्ढे बनते हैं, खाई बनते हैं। तो इसलिए जब गड्ढे बनेंगे या खाई बनेंगे जमीन में, वो कैसे होगा? और जब टॉप साइल चला जाता है तो उपजाऊ कैसे होगा? ये भी एक कारण है जो जमीन बंजर हो जाती है। सॉइल एरोजन के वजह से दो दुष्परिणाम हुए हैं, उनको कैसे रोका जा सकता है वो देखेंगे। अभी तीन तरह से इसको रोका जा सकता है। पहले है टेरेसिंग द लैंड। मान लीजिए कि आपका जो जमीन है वो एक पहाड़ के नीचे स्तर पर है, मतलब प्लेन लैंड नहीं है, मगर वहां उपजाऊ है। तो वहां क्या करेंगे हम, जो ढलान है उसको सीढ़ियों की तरह वैसे उसको बना देना है। इसे कहते हैं टेरेसिंग। टेरेसिंग होने से पानी का बहाव कम हो जाता है। जब पानी का बहाव कम होगा तो एरोजन अपने आप कम हो सकता है। सेकेंड है कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स, मतलब छोटे छोटे बांध। इनको हमारे फील्ड में ही हम कर सकते हैं। इसे क्या होता है कि जो पानी बहता है वो वहां थोड़ी देर रुक जाता है, उपजाऊ मिट्टी है वो रुक जाता है, पानी भी बहुत देर तक रुका रहता है। इसके वजह से वो सॉइल फर्टाइल बन जाता है। अब तीसरा जरिया है एफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। जहां जहां हम खेतीबाड़ी नहीं कर रहे हैं वहां जरूर पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। जितने पेड़ पौधे होंगे उतना हमारे लिए फायदेमंद है। अब मैं टेक्स्ट बुक में जो पैरा 5 है उसको यहां ले रहा हूं। एक्चुअली ऑथर भी इसको ऐसे ही लेना चाहिए था, क्योंकि वो मिडिल में होने से कोहरेंस में बाधा आता है, जो कंटेंट है उसको समझने में दिक्कत होती है, वो हुआ है, इसलिए मैं इसको लास्ट में ले रहा हूं। आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्र बहुत सुंदर होते हैं, वहां के झरने, वहां के तालाब, ये सभी उस सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। दक्षिण भारत में जो तालाब होते हैं वो आमतौर पर बारिश का पानी से ही भर जाता है। ये जब भर जाते हैं तो ये बहुत सुंदर लगते हैं। दक्षिण भारत में कुछ जगह खेतीबाड़ी इसके जरिए भी होता है। इसका मतलब तालाबों का योगदान बहुत ज्यादा है दक्षिण भारत में। पर दुख की बात यह है कि इन तालाबों को अच्छी तरह से देखभाल नहीं किया जाता है। यहाँ डिसिल्टिंग नहीं करने के कारण वहां पानी बहुत कम रुकता है। लोग सोचते नहीं है या वो लेजी है। कुछ तालाब जो विशाल है वो और सुंदर लगते हैं जब भर जाते हैं। एक तालाब ऐसे लगते हैं कि जैसे ये आंख हो, जैसे आंखों में अपना मूड यानी मनस्थिति का उजागरण होता है, उसी तरह इनका भी होता है। जब दिन में बहुत रोशनी होती है उस समय बहुत चीयरफुल लगता है वहां, और जब आकाश बादल से घिरा रहता है या इवनिंग में, ये पानी थोड़ा सा डल लगता है। तो हमारा मूड भी ऐसे ही डल होता है। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है यहां कि ये जो आपने हिंदी में सुना, मगर इसका जो इंग्लिश वर्शन है, तो समरी आपको मेरा ब्लॉग में मिल जाएगा। ये है मेरा ब्लॉग एड्रेस, गो टू माय ब्लॉग। वहां 10th स्टैंडर्ड का एक सेलेक्शन है, उसको सेलेक्ट कीजिए, आपको ये मिल जाएगा। लगता है आपको पसंद आ गया होगा, क्योंकि ये कुछ डिफरेंट वे में प्रेजेंट किया हुआ है। जो मेन टेक्स्ट है वो इनकोहेरेंट है, इसलिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं ऐसे इसको प्रस्तुत किया हूं। मुझे यकीन है कि आपको ये अच्छा लगा होगा।